हेलो फ्रेंड्स, रामराम जी। ये देखिए, ये है रोस्टेड खाड़ी और ये है नॉन रोस्टेड खाड़ी। आज हम देखेंगे कि रोस्टेड खाड़ी जब गर्म पानी में जाती है तो क्या रिएक्ट करती है, और नॉन रोस्टेड खाड़ी किस तरीके से मेल्ट होती है। दोनों के मेल्ट होने का, ये थोड़ा बड़ा टुकड़ा था इसलिए मुझे बड़ा बर्तन लेना पड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नॉन रोस्टेड खाड़ी थी वो तो देखिए इस तरीके से मेल्ट हो गई है, बिल्कुल दूधिया फॉर्म में मेल्ट हो रही है। ये देखिए, बहुत जल्दी मेल्ट हो रही है। वहीं जो रोस्टेड खाड़ी है, आप देख सकते हैं, ये मेल्ट नहीं हो रही है, ये इस तरीके से टूट रही है, जैसे स्लेट पेंसिल की लेयर निकलती है इस तरीके से। ये देखिए अभी निकली, ये इस तरीके से टूट टूट के जो है अलग हो रही है। ये देखिए, इस तरीके से अलग हो रही है। ये देखिए, अभी अलग हुई है। ये देखिए इस तरीके से। और रोस्ट होने के बाद इसके कलर में और नॉन रोस्टेड मुल्तानी कलर में काफ़ी चेंज आ जाता है। ये देखिए, तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जो रोस्टेड खाड़ी होती है और जो नॉन रोस्टेड खाड़ी होती है वो एकदम स्लेट, उसका टेस्ट भी बदल जाता है, टेक्सचर भी बदल जाता है और कलर भी बदल जाता है। जब आप पानी में उसे डालेंगे ना तो वो मेल्ट नहीं होगी, उसकी लेयर निकलेंगी जैसा कि इसमें निकल रही है। और ये लेयर निकल निकल के ही इस तरीके से ये छोटी होती चली जाएगी इस तरीके से। और वहीं जो नॉन रोस्टेड खाड़ी है वो पूरी मेल्ट हो जाएगी। ये देखिए, ऐसी कोई लेयर नहीं निकल रही है, ये खाली, ये देखिए ये सिर्फ मेल्ट हो रही है और ये हो भी गई है मेल्ट। ये देखिए, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं मेल्ट हो गई है। ये देखिए, एकदम क्रीमी क्रीमी सी। जहाँ पे नॉन रोस्टेड ये खाड़ी मिट्टी स्टिकी होती है, वहीं पे जब ये रोस्ट हो जाती है तो ये स्टिकी नहीं रहती, ये
बिल्कुल भी स्टिकी नहीं रहती है, ये एकदम स्लेट पेंसिल जैसी हो जाती है। फिर ये देखिए अभी भी कितनी हार्ड है, ये अभी भी बहुत हार्ड है। ये देखिए ये लेयर ही निकलेगी इसकी, लेकिन ये मेल्ट नहीं होगी। तो यही सबसे बड़ा अंतर होता है रोस्टेड और नॉन रोस्टेड खाड़ी मिट्टी में। ये देखिए लेयर ही निकलेगी, लेकिन ये जो है मेल्ट नहीं होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाना ना भूलें। बाय, राम राम जी।